दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप सभी की कंपनियों में, आप सभी की मोबाइल के अंदर कैमरे की फैसिलिटीज होती है। अगर आपके में भी कैमरे की फैसिलिटीज है और आप भी अपने कैमरे की फैसिलिटीज को आपके स्मार्टफोन में, तो उसके कुछ हिडन फीचर्स है जिनका आपको मालूम नहीं है। आज मैं उसके जो हिडन फीचर्स है उन हिडन फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आई थिंक आप ये वीडियो देखने के बाद काफी कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए, अब माना कि भैया हमें हमारा स्मार्टफोन है, हमारी कंपनी का है, तो हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले अपने एज ए स्मार्टफोन का कैमरास पर हमें क्लिक करना है। क्लिक कर लिया है, क्लिक करते देखिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट, हमने तो देखिए ब्लैक कर लिया है, लेकिन आपके सामने यहां पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब माना कि भैया आपने यहां पर एक ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है हमें फोकस का, लाइव फोकस का। इससे भी आप किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को लाइव फोकस में ले सकते हैं, और फोकस में लेने से आपका जो ऑब्जेक्टिव फोकस में आ जाता है तो ब्लर की फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया और काफी शानदार फैसिलिटीज हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ दोस्तों एक ऑप्शन हमें यहां पर नीचे फोटोज और वीडियोज देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों नीचे मोर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं, जो काम के ऑप्शन है, वह दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहां पर ओके लाइव फोटोज में हमने यहां पर अलाउ कर देना है आपको फोकस सर्विसेज को, अलाउ करते हैं आप ब्लर की या फोकस की सर्विस ले सकते हैं। लेकिन हमें जो मेन फैसिलिटीज है वो दोस्तों सेटिंग के अंदर जाना है। अब भैया हमारी जो क्वालिटी है वो डलनेस आ रही है, कैमरास की जो फोटोज की क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है, यहां पर जाना है और यहां पर फोन कैमरा आ रहा है, आपको रियर कैमरास के अंदर जाना है। आपके जो कैमरा फैसिलिटीज क्या है आपके में, यहाँ रेजुलेशन पर जाइए। अगर 12 मेगापिक्सल सेट हो रहा है तो इसको आपको 24 मेगापिक्सल को सेट कर देना है, और दोस्तों रेजुलेशन को फुल में रखना है तो फुल में आपका 16 मेगापिक्सल पर आएगा, 24 मेगापिक्सल वर्किंग नहीं करेगा, और यहां पर आपका इसमें आपका लगभग 18 मेगापिक्सल वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो दोस्तों आपको केवल 4:3 को करना है, 4:3 इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका यहाँ पर जो कैमरे का लास्ट जितना भी मेगापिक्सल है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, तो इसको यूज मिले रियर में। और आपका अगर सेल्फी कैमरा है, सेल्फी कैमरा में भी आप इसी फोन कैमराज में भी यही फंक्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका सेल्फी कैमरा भी काफी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर आप ऐसे वीडियोज बनाते हैं तो वीडियोज की साइज होती है, इसका जो रेजुलेशन होता है वो दोस्तों नॉर्मली HD में होता है। अब HD में तो मजा नहीं आता, लेकिन आपको एज ए फुल HD करना है तो आपको यहां पर फुल HD वाले फैसिलिटीज को ऑन करना है, फुल को नहीं करना है दोस्तों। अगर आप फुल को करते हैं तो आपका स्मार्टफोन अगर फुल वाली फैसिलिटीज को सपोर्ट करता है तो आप फुल में करिए, यहां पर आपको हाई रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, जो काफी तगड़ा रेजोल्यूशन होता है। लेकिन इसमें आपको जो वीडियो को स्टेबलाइजेशन का फैसिलिटीज है वो नहीं देखने को मिलती है, तो इसलिए अगर आप फुल करते हैं तो भी बेटर है, लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन की फैसिलिटीज नहीं देखने को मिलेगी। फ्रंट में भी आप फुल करिए, इसमें भी काफी बढ़िया रहेगा, काफी शानदार रहेगा। अगर आपको वीडियोज के अंदर हाई क्वालिटी में चाहिए तो इसका फॉर्मेट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों नीचे की ओर आपको मैं काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। अगर आप एज अ लाइन की, ग्रेड की, टेक की, शूटिंग लोकेशन की या आप वो सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति वाटरमार्क की भी फैसिलिटीज ऐड करते हैं कि भाई कैप्चर बाई शाओमी, कैप्चर बाई रेडमी, किस कंपनी से आपका फोन है वो आ जाती है, चाहते हैं तो चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता यार उस चीज में। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, ये वॉटरमार्क काफी बुरा लगता है मुझे तो, इसलिए मैं इसे बंद रखता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक्टिवेट कर सकते हैं। और लोकेशन स्टोरेज लोकेशन को चेंज करना है तो यहां से आप स्टोरेज लोकेशन का भी यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कैमरा के अंदर आपके मोबाइल के कैमराज में देखने को मिलती है। अगर आपको ये सेटिंग्स से वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।